जाएंगे कल, अभी तो हम लोग सामान खरीदने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है संतोष जी? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है हम लोग। हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग पे। रेडी होकर के घूम रही है, शिवम को उसके मम्मी चप्पल पहना रहा है। एक्चुअली अभी हम लोग जा रहे हैं स्टाइल बाज़ार कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। हम लोग कल जा रहे हैं अपने, कहाँ जा रहा है शिवम तुम कल? कहाँ जाएगा कल तुम? दादी का घर। हाँ, तो कल हम लोग दादी के घर इसके जा रहे हैं, मतलब हम अपने घर जा रहे हैं, कटिहार जा रहे हैं। तो शिवम का गर्मी छुट्टी हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं कल। कल जाएंगे कल, अभी तो हम लोग सामान खरीदने जा रहे हैं। कल ट्रेन में बैठेंगे ना, अभी तो हम लोग सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो अभी यहीं बगल में एक मॉल है स्टाइल बाज़ार, तो हम लोग वहाँ से कुछ सामान वामान खरीद करके आते हैं। तो अभी हम लोग टोटो में हैं। कहाँ जा रहा तुम? तो स्टाइल बाजार आ गया है, बस यहीं हम लोग जाएंगे अंदर में। दादा स्टाइल बाजार। येलो वाला अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहे हैं हम? तो लेंगे नहीं, बस ऐसे पहन के देख रहे हैं, क्योंकि हमको तो पहाड़ वाला चश्मा लगाया। देखो पहन को देखो संतोषी, तुम क्या लेगा? वही ट्रक लेगा, क्या करेगा माल लोडिंग? देखो क्या है। दूसरा वाला देखो, दूसरा बढ़िया वाला देखो। वाह अच्छा लग रहा। A few moments later. तो हम दोनों बाप बेटे अभी बाहर में घूम रहे हैं, हमारा शॉपिंग हो गया है। पीछे में ब्यूटी पार्लर है, तो मम्मी उसकी गई है आईब्रो बनाने के लिए, हम इसको लेके बाहर में घूम रहे हैं। तो हमारी शॉपिंग हो गई है, हम लोग वापस घर आ गए हैं। और शिवम क्या खरीद के लाया है? वो तो गाड़ी खरीदना चाह रहा था, लेकिन हम उसको कुछ दूसरा चीज़ खरीद के दिए है। खरीद के लाया है क्या है बेटा? ये पजल है। दिखा दिखा कैसा, दिखा दिखा। तो पजल है, तो हमको लगा कि गाड़ी लेके क्या करेगा, पजल लेगा तो कुछ थोड़ा सा दिमागी कसरत भी होगा इसका। और हम लोग जो शॉपिंग किए हैं वो हम लोग कल घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे मम्मी के लिए किए हैं हम लोग कुछ साड़ी वाड़ी वगैरह खरीदे हैं, तो वहाँ पे संतोषी जाके देगी सबको। ये सब बचपन में बहुत खेले हैं, आप लोग अगर खेले तो कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार से बनाना है इसको मिला मिला करके, जैसे ये पिक्चर है ना, उसी तरह से ये सबको मिला मिला के बनाना है। रुक जाओ, हम कपड़ा चेंज करके आते हैं, फिर तुमको बताएंगे कैसे मिलाना, ठीक है? तो जब तक संतोषी रोटी बना रही है, तब तक हम और शिवम मिलकर के पजल को सॉल्व कर रहे थे, और फाइनली हमने पजल को सॉल्व कर लिया है। मज़ा आया शिवम पजल को सॉल्व करने में? फिर से बना लेगा तुम? हटा लेंगे इसको तो, ठीक है। Tomorrow. सुबह हो गया है, हम लोग उठ गए हैं सुबह, अभी जाने के लिए रेडी है। बस सबका रेडी हो गया है, सिर्फ मेरा रेडी होना बाकी है और दिविशा का रेडी होना बाकी है। उसको बाद में उठाया, नहीं तो वो जीत करती। बस वो रेडी होगा, हम रेडी होंगे, उसके बाद निकलेंगे अभी स्टेशन। जल्दी करो जल्दी, टाइम हो रहा है संतोषी। कहाँ जा रहा बेटा? अलीगढ़। हाँ इधर से चल जाएंगे। हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं,
और अभी बाबू को डायपर पहनाया जाएगा दिविशा को, क्योंकि वो पेशाब नहीं किए है। तो कैसा लग रहा है संतोषी? बहुत अच्छा, घर बहुत मजा आ रहा है। हम लोग लगेगा ना, बहुत दिन के बाद जा रहे घर, 3 महीने के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो बहुत ही अभी मस्ती होगा 10-12 दिन। गाड़ी खुल गई है, दिविशा का तो मजा ही मजा है। Later. प्रियम काहे डर रहा तुम इतना? आओ ऊपर जाएगी, चलो अब दादी घर में। फाइनली हम लोग पहुंच गए कटिहार जंक्शन। हम लोग स्टेशन से घर पहुंच गए हैं और यहाँ संतोषी दिविशा को जो है मैगी खिला रही है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और घर आने के बाद शिवम का सबका जो है धमाचौकड़ी स्टार्ट है। ये मेरी प्यारी भांजी है, भगिनी है मेरी प्यारी सी, ऋषि का नाम है। हाय दीवी, चलो तुम उधर जाओ। और वो मेरी माँ है जो वहाँ बैठी है, और दिविशा अपने दादी के साथ खेल रही है। और किचन रूम में वहाँ पे संतोषी है अपनी ननद के साथ, पूरी छाँक रही है। उनको अभी जस्ट नाश्ता दिया गया है, तो ये दल पूरी है, दाल भरा हुआ है इसमें, या सत्तू, शायद सत्तू भरा हुआ है, सत्तू का पूरी है। और ये है टमाटर का चटनी, ये है परवल का भाजा, और ये क्या है, ये रात का शायद आलू का सब्जी, आलू बैंगन का सब्जी है। तो हम नाश्ता का लुत्फ़ उठाते हैं। भाई साहब अभी क्या ज़ोरदार बारिश हो रही है, एकदम मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। Two hours later. तो अभी शाम हो गया है, हम लोग छत पे घूमने के लिए आए हैं और ज़ोरदार बारिश हुआ था जस्ट थोड़ा देर पहले, मौसम एकदम ठंडा हो गया है। यहाँ छत पे जो खेती किया गया है मेरा भाई के द्वारा, यहाँ पे देखिए करेला उठा है, तो संतोषी को हम यहाँ पे छोड़ के अभी चले जाएंगे। एक्चुअली मेरा अभी छुट्टी नहीं हुआ है, कल हमको फिर वापस चले जाना है मालदा, अपना ड्यूटी करना है। 1 हफ्ता के बाद फिर हम छुट्टी लेके आएंगे यहाँ पे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।